स्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टल गई है। अदालत में किसी किसान संगठन के ना होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन ये कैसे हो इस पर चर्चा हो सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केवल इतना ही नहीं, केजरीवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान कृषि कानून की कॉपी फाड़ते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा मोदी सरकार के कृषि कानूनों को खारिज कर रही है। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों को निरस्त करने का संकल्प पत्र स्वीकार कर लिया गया है। सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। रोज एक किसान शहीद हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोगे। उन्होंने कहा कि एक एक किसान भगत सिंह बनकर आंदोलन में बैठा है। केंद्र अंग्रेज से बदतर ना बने और कानून को वापस ले। केंद्र की मोदी सरकार आने वाले 2 सालों में भारत को टोल नाका फ्री बनाने की तैयारी में है। केंद्र ने वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही के लिए यह फैसला किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 सालों के बाद भारत टोल नाका मुक्त हो जाएगा। 2 सालों में वाहनों का टोल केवल व्यक्ति के लिंक बैंक अकाउंट से ही काटा जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS को अंतिम रूप देने का फैसला किया गया है। कई बार वर्दी पहने पुलिसकर्मी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे पूरा महकमा शर्मसार हो जाता है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक स्कूटी सवार महिला एक ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की महिला कर्मचारी के जेब में पैसे मोड़ कर डालती है। उसके बाद पूरा मामला सलट जाता है। मामला पुणे के साईं चौक का है जहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान के ट्रैफिक पुलिस की महिला कांस्टेबल ने भी एक लड़की और महिला के साथ स्कूटी को रुकाया था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है लड़की अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर महिला पुलिसकर्मी के पिछले जेब में डाल देती है। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया जिसके तहत पारा गिरकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक ने आगे कहा कि जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल की पहाड़ियों से बर्फीली हवाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर बह रही हैं। शीतलहर की स्थिति 18 दिसंबर तक बनी रहेगी जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी।